हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। हाँ जी, आज मैं कार्ड्स रखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो टॉपिक जो है इस रीडिंग का वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपको अभी क्या पता होना चाहिए। ओके, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको कोई फैसला लेना है, आप किसी बात से परेशान हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो कोशिश करेंगे यूनिवर्स जो मैसेजेस देती है उनको समझने की और जो भी गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करने की। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूं। तो ओके, जस्ट अ मिनट। तो मैं यहां पर ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ले रही हूं आज। यहां से कुछ तीन कार्ड्स मैं निकालूंगी, आपके सामने ऑप्शंस रखूंगी और आपने एक कार्ड यहां से सिलेक्ट करना है। लेट्स सी क्या निकल कर आता है यहां से। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो और उसके आधार पर रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइज, याद रहे तो जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, इस 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी और सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो एंड आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको चार्जेस जानने हैं, ये जानना है कि किस तरीके से रीडिंग होगी, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मार्च में मैं शायद रीडिंग नहीं करूं, मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि शायद मैं कहीं जाऊंगी। हाँ, जाने का इरादा है, तो अभी ही रीडिंग्स कर रही हूं और फिर मई या जून में रीडिंग्स शुरू करूंगी। ऑलराइट, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या निकलता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या निकलता है अगला कार्ड। ओके, एप्रिसिएशन, ऑलराइट। थर्ड ऑप्शन, ये दो हैं तो मैं नहीं लूंगी। ओके, ऑल राइट, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है। ओके, तो इनमें से एक चूज कर सकते हैं आप और फिर हमारी रीडिंग हम शुरू करेंगे। आप अपना समय ले लीजिए और अगर ज्यादा समय लगता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हैं। देन कोई ऑप्शन चूज करिए और फिर आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, शुरू करें हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड पहला वाला ग्रुप, तो चलिए देखते हैं भाई आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, आपको अभी क्या पता होना चाहिए। तो इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ इस तरीके से और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालना शुरू करती हूँ। आप ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूं आज की रीडिंग में।
सबसे पहले तो आप लोग बात करना शुरू करिए, जो आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। आई थिंक आप लोगों से कनेक्ट नहीं रहते, आप बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती किसी से। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। टेन ऑफ सोर्ड्स, मैं वही आपको बोल रही थी। एनसी पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन यू हैव पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, आगे और भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपको पता है मैं यही करती हूँ। सारे कार्ड्स हम यहाँ पर निकाल कर रख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। आपको आपकी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है एक्चुअली। आप जिस भी तरीके से अपना काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो तरीका सही नहीं है। ओके, नोटिस सटल चेंजेस। यहां से ये दो रहते हैं कार्ड्स आपके लिए, यहां से भी देख लेते हैं। आपने देखे हैं कार्ड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ ठीक से। ओके, दीज आर योर कार्ड्स, और देखते हैं क्या है। फ्लो एंड फ्रीडम। ओके, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो ये आपके कार्ड्स रहते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ आपको भी हाल फिलहाल में क्या करने की जरूरत है, क्या आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन को चूज किया है, कार्ड नंबर वन को चूज किया, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड ग्रुप नंबर वन को चूज किया है, सबसे पहला उनके लिए मैसेज ये है कि जो भी पास्ट में हुआ है, सबसे पहले तो उसको भूलो, भूलने की कोशिश करो। पास्ट से मेरा मतलब मैं 2-3 दिन पहले तक की भी बात कर रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 2 से 3 दिन पहले कुछ तो ऐसा हुआ है। ओके, कुछ लोगों को रिजेक्शन मिला है, कुछ लोगों की हो सकता है जॉब गई हो, एंड कुछ लोगों की किसी के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं आपके लिए, सब कुछ खत्म है और आप बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी में हो। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो उसको हटाने की कोशिश करो। अब ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। अगर आप टैरट रीडिंग्स देखते हो तो आपने कई बार सुना होगा कि ओके, आपकी एनर्जी अभी लो है, आप अभी पेन में हो, तो आप इस तरीके से हील करो, इससे बाहर निकलो। तो आई थिंक ये पहली बार नहीं हुआ है, जो भी है ये होता रहता है और आप इससे बाहर निकलते रहते हो। तो ये जहां तक मैं समझ रही हूं, ये अब काफी आसान भी हो गया होगा आपके लिए, राइट? और अगर ये आसान नहीं है, अगर आप स्पेशलिटी में लंबे समय से नहीं हो, आप पहली बार रीडिंग्स देख रहे हो, तो हाँ, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हो जाएगा, यकीन मानो। हील करने की कोशिश करो। अब कैसे हील करते हैं, कैसे हम अपने पास्ट से निकलते हैं, उसके लिए तो कई सारे आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे गूगल पर। मैं अलग से कोई यहां पर मंत्र शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि कोई भी मंत्रा भी होगा ना, वो तभी काम करेगा जब आपके अंदर इच्छा होगी कि वो काम करे। अदरवाइज आप ऐसे ही चैन करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका दिल नहीं लग रहा है उससे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो पहले अपने अंदर इच्छा लेकर आओ कि हाँ, मुझे हील होना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। अब इच्छा कैसे आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इच्छा आएगी कुछ चेंजेस लाने से, जैसे कि यहां पर ये कार्ड आपके लिए आया है। ओके, ये कार्ड बताता है कि छोटे मोटे से चेंजेस आप करिए, जो रूटीन आपका बन गया है ना, उसको चेंज करने की कोशिश करिए। जैसे खाने पीने का टाइम, सोने का टाइम, जागने का टाइम,
या मान लो अगर आप किसी एक कलर के कपड़े ही पहनते हैं, एक या दो कलर जो भी आपको पसंद है, कुछ कलर्स आपके फेवरेट हो सकते हैं, ऐसे ब्लैक, पिंक, ब्लू, व्हाइट, जो भी है वो पसंद है, और आपने हमेशा उसी तरीके के कपड़े पहने, उसी एक जो भी डिजाइन है वही डिजाइन आप हमेशा लेते हो, दिस टाइम ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया कलर लेकर आओ और उसको पहनकर देखो, या अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा सकते हो, या कुछ बुक्स ऐसी पढ़ सकते हो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, या कोई मूवी ऐसी देख लो जो आपने पहले कभी नहीं देखी, अगर आप हमेशा कॉमेडी मूवीज ही प्रेफर करते हो, दिस टाइम आप कोई एक्शन मूवी देख लो या रोमांटिक मूवी देख लो, और इससे हटकर कुछ है तो वो देख लो, ठीक है, या कुछ चीजें हैं जो आपकी फेवरेट है खाने में, आप हमेशा वो खाते हो, तो इस बारी थोड़ा कुछ अलग हटकर आपने खाना है जो आपने कभी ट्राई नहीं किया, कोई ऐसी जगह घूमने जा सकते हो जहां पर आप कभी नहीं गए, आप जब भी वेकेशन प्लान करते हो आप पहले से सोच कर रखते हो कि इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, आज इस बारी कुछ ऐसा सोचो, कोई ऐसी जगह के बारे में जाने की कोशिश करो जो जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे, लोगों का कहना था कि वो अच्छा है लेकिन फिर भी आप जाना नहीं चाहते थे, एक बारी ट्राई करो, ये छोटे 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 चेंजेस आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिन जगहों पर जाना या जो पहनना और खाना आपको पसंद है उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, कुछ आप एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको पता ही ऐसा है, जब आप कुछ नया करते हो ना तो आप उसमें उलझ जाते हो कई बार, और ये उलझन वो उलझन नहीं है जो आपको परेशान करेगी, ये क्यूरियोसिटी, ओके, आप क्यूरियस रहते हो टू नो कि ओके अब ये कैसा होगा, ये जगह कैसी होगी, ओके ऐसा मैं ड्रेस पहनूंगी तो कैसा होगा, कैसा लगेगा, मैं कैसी लगूंगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ओके लेट्स सी इस बुक में क्या हो सकता है, लेट्स सी इस तरीके की मूवीज में क्या होता है, तो धीरे धीरे करके ना आप अपना दिमाग यहां से हटा लेते हो और कहीं और लगा लेते हो, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है खुद को हील करने का। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि जब तक वो ये सब कुछ करते रहते हैं वो ठीक रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि जैसे ही उन्होंने करना बंद किया ये चीज, ये हीलिंग भी उनकी बंद हो जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप ये चेंजेस लाओगे उसी वक्त आपने मेडिटेशन ट्राई करने लगना है, आप कहीं, कुछ लोगों की तो परमानेंटली हो जाती है, जैसे उनका दिमाग हटा वो हील हो चुके होते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं लेकिन उनका अच्छा है, वो थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाते हैं और उनका काम बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक वो ध्यान भटका कर रखेंगे ठीक है, और जैसे ही वो वापस आए तो फिर वो चीजें वैसी हो जाती हैं जैसी पहले थी, तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे आप ये चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस ला रहे हो ना, मीनवाइल आपको कोई मेडिटेशन वगैरह भी देख लेना है, ठीक है, इसी दौरान उसमें ऐड कर लेना है कि ठीक है मैं ये सब नया ट्राई कर रही हूं तो चलो ये भी कर लेते हैं, मेडिटेशन करिए या फिर आप मंत्र चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, और भी कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो, मैं शेयर करती रहती हूँ व्हाट्सएप पर और कम्युनिटी सेक्शन में, तो वो आप चेक कर सकते हो, इससे क्या होगा कि जब आप वापस से इन बातों के बारे में सोचोगे, आपका ये एक पीरियड रहेगा, ये जैसे ही खत्म होगा और वापस आप यहां पर आओगे तो ये चीजें आपको ट्रिगर नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है कि ये मेमोरीज हट जाएंगी, मेमोरीज कभी नहीं जाती, कई सारे लोगों का ये पूछना होता है कि हम कैसे अपनी यादों को मिटा दें, मैं आपको बताती हूँ यादें कभी नहीं मिटती और कोशिश भी मत करना, टाइम वेस्ट होता है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो यादें हमें ट्रिगर ना करें, तो या तो हम नई यादें बना लें या फिर उनको इतना पावरफुल हमें नहीं रहने देना है कि वो हमें ट्रिगर करें, ओके, और ये चीजें कुछ चेंजेस लाने से हो जाता है, ठीक है ना हाँ, तो यहां से आपकी हीलिंग हो सकती है, अगर यहां से शुरू करिए तो ये वाला जो आपका कार्ड आया है, ये जो एनर्जी आई है ये हट जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके बाद आपको कुछ नया करने का सोचना है, मतलब ये चेंजेस तो हील करने के लिए थे, अब यहां पर नए से मेरा मतलब है कि जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट हो, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको स्केचिंग, कुकिंग, और जैसे कि मैं कार्ड रीडिंग मुझे करना बहुत पसंद है, लोगों को गाइड करना पसंद है, ये या इसके अलावा कुछ आप कुछ पढ़ सकते हो, किसी डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए कुछ तैयारी कर सकते हो, कई तरीके के क्राफ्टिंग होते हैं उनमें ट्राई कर सकते हो, कुछ भी ऐसा करना जो आपको संतुष्टि दे, जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, तो उस पर आप काम कर सकते हो और उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल बना लो, आप चाहें तो व्लॉग बना लो, आप जो भी आपको ठीक लगे जिसमें आप इंगेज रह सकते हो वो करना शुरू करो,
किस भावना के साथ? एप्रिशिएट एवरीथिंग, कि अभी जो भी आपके पास है, जो भी बाकी है, उसको एप्रिशिएट करते हुए। अब ये आपको क्यों करना है, इसलिए क्योंकि जब आप इस एनर्जी में आते हो, जब आप एप्रिशिएट करते हो जो भी आपके पास है उसको, तो ऐसे करने से एक तो आप पॉजिटिव फील करने लग जाते हो, आपको ये लगने लग जाता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए था, तो आप फिर खुद को कंप्लीट सा महसूस करते हो, आपको खालीपन सा नहीं लगता। हमें खालीपन सा या उदासी कब लगती है? जब हमें लगता है कि ओके, हमने इतनी चीजें काउंट करी और इतने में इतनी है ही नहीं, इतनी है और जो है वो भी काम की नहीं है, तो तब हमें उदासी सी फील होती है, तब हमारी एनर्जी लो होती है। लेकिन अगर आप ये कहने लग जाएं कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, तो आपकी एनर्जी कभी लो नहीं होगी। आप एक्साइटेड रहोगे, आप में वो स्पार्क रहेगा, आप पैशनेट रहोगे चीजों के लिए। तो ये आपको करना है, आप एप्रिशिएट करिए जो भी चीजें आपके पास हैं उनको लेकर। अभी यहां पर कई लोगों का सवाल है, वो कहेंगे कि हम किस चीज के लिए एप्रिशिएट करें, किन चीजों को एप्रिशिएट करें, हमारे पास तो जॉब नहीं है, हमारे पास तो बिजनेस नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो आपके पास आंखें हैं, आपके पास बॉडी है, आपके पास हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, सब कुछ, ये सब कुछ तो है ना। अगर आप एप्रिशिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, तो चेंज योर परसेप्शन कि क्या हो जब हम खुश हों, और क्या होना इम्पॉर्टेंट है, क्या होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो है अभी, जो भी आपके पास है, पहले उसको समझो, उसकी वैल्यू को समझो, उसके लिए थैंकफुल हो, बाद में चीजें खुद ही आने लग जाएंगी, और जो भी चीजें आप चाहते हैं, देन यू हैव फ्लो एंड फ्रीडम। तो यहां पर आपको बताया जाता है कि अब आपको यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है और एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। मीन्स सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करनी, जो भी आपके सपने हैं उन पर काम भी करना है यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए, लेकिन काम का एडिक्शन ना होते हुए। अब यहां पर आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो हो सकता है कि जब आप काम करना शुरू करें तो वर्कहोलिक हो जाएं, क्योंकि काम करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पुरानी बातें याद नहीं आ रही, तो अब मुझे पूरा दिन यही करना है, पूरी रात यही करना है। नहीं, वो नहीं करना, क्योंकि वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप एक एडिक्शन को मिटाने के लिए, ये एक तकलीफ को मिटाने के लिए फिर दूसरी तरफ से खुद को तकलीफ में डाल रहे हो, वो नहीं करना है। आपको बस विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, और ध्यान में रखना है कि आप खुद यूनिवर्स का ही हिस्सा हो, तो जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा ही होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपको किसी ने बांध नहीं रखा, आपको कोई बांध भी नहीं सकता सिवाय आपके। ओके, अब ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि एक विचार में बंध जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है। ओके, अगर आप मुझसे अगर आप मेरे कांटेक्ट में होते, मैं आपसे बात कर रही होती, और अगर मैं आपसे ये कहती ना कि देखिए आपका जीवन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सेक्रीफाइस करें लोगों के लिए, अगर मैं आपको ये कह देती ना, तो आप वही मानकर उसी तरीके से अपने जीवन को डाल लेते। आप खुद को ये बोलते रहते, सेक्रीफाइस करने के लिए बनी हूं, मैं सेक्रीफाइस करने के लिए बनी हूं। ये होता आपके साथ। तो ये जो भी आप करते हो ना, उसमें अधिकता कर देते हो। अगर आपसे सेक्रीफाइस मांगा भी जाता है तो कहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह, लेकिन आपकी आदत है कि आप उसको ऐसे मान लेते हो कि इसी के लिए मैं हूं, हर चीज की अधिकता करते हो, तो वो आपने नहीं करनी है। इससे आप थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। आप मुक्त हैं, आपको सिर्फ आपकी सोच बांधती है और कुछ नहीं। तो सही गलत क्या है समझने की कोशिश करो, और दूसरों के प्रभाव में आना भी बंद करो, और ये भी बोलना बंद करो कि उसने मुझे बांधा। कोई नहीं बांधता, हम खुद ही खुद को बांध लेते हैं। ऑलराइट, यस, तो ये सब कुछ आपने करना है अभी हाल फिलहाल में। अगर आपकी एनर्जी लो है, फटाफट से खड़े हो जाओ और जो मैंने बोला है वो कर डालो। अभी समय बहुत अच्छा है, कुछ भी ट्राई करोगे काम बन जाएगा। आपको आगे बढ़ना है और आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मैं आपको बता दूं, आपको किसी ने नहीं बांधा, ठीक है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो भी वो आपकी ही सोच है आपको बांध रखता है। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं तो भी वो आप ही हो रीजन, कोई और रीजन नहीं है। हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है अप्रिसिएशन के कार्ड को तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आपको भी क्या पता होना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। लेट्स सी, टू ऑफ कप्स, ओके, देन यू हैव टेन ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, यहां से ले लेते हैं कार्ड सम। फॉरगिव योरसेल्फ, आज मैंने कुछ इसी को लेकर मैसेजेस डाले हैं व्हाट्सएप पर, और यहां पर भी आ गया। ओके, आगे देखते हैं। सी द गुड इन एवरीथिंग, ओके, और देखते हैं क्या होता है। क्या पता होना चाहिए फाइल टू जिन्होंने सिलेक्ट किया है आपके लिए। तीन साइलेंस एनर्जी, ये भी आया है ना, फ्लो। ओके, तो आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हैं ट्रस्ट द यूनिवर्स, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आप चाहें तो पाइल वन भी देख सकते हैं। ओके, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। कुछ मैसेजेस आपको यहां से मिले, कुछ वहां से। ओके, मैं कैमरा थोड़ा ठीक करती हूँ, कार्ड्स नहीं आ रहे इसमें। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आप। ओके, तो पाइल नंबर टू जिन्होंने अप्रिसिएशन के कार्ड को चूज किया है, क्या है उनके लिए मैसेजेस, उनको क्या अभी पता होना चाहिए। गाइस, यू नीड लव, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इससे भाग क्यों रहे हो। मैं यहां पर देख रही हूं, या तो आप समझ नहीं पा रहे कि आपको प्यार चाहिए, या फिर आपको समझ आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, फिर भी आप इससे दूर जा रहे हो, क्योंकि आई थिंक आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इसको लेकर। या तो आपको खुद को माफ करने की जरूरत है या किसी और को। कहीं पर कुछ तो ब्लॉक है, कहीं पर कुछ तो हील होना है। हीलिंग बहुत जरूरी है आपके लिए गाइस। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपने करी क्यों नहीं हीलिंग, या फिर आप कर नहीं पाए,
क्योंकि आप मैच्योर हो इतने तो। एज तो है, मैच्योरिटी का पता नहीं। मैच्योर भी हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है, बट कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जिनसे मैं, आपको देखकर तो लोग बोलते होंगे ना बच्चों जैसे लगते हो। ओके एनीवेज, अगर मैं खुलकर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे पहले जहां पर भाई आपने अपना 200% दिया, 100% में नहीं, 200%, और वहां से आपको नहीं मिला वो जो आप चाहते थे। आप हमेशा चाहते हो कि आप जितना दो उतना बदले में आपको मिले, लेकिन वहां से नहीं मिला, या फिर आपको धोखा दिया गया। ओके, या फिर जिनके साथ में आप थे उनके उनके लिए आप बस एक ऑप्शन थे, वो और लोगों को भी देख रहे थे, आपको भी देख रहे थे, और ये चीजें आपको बाद में पता लगी एंड इन चीजों ने आपको हर्ट किया। देन आपने एक बड़ा चेंज कर दिया खुद की लाइफ में, उसको छोड़ते हुए, या वो छूट गया, जो भी था, वो कनेक्शन खत्म हुआ। उसके बाद जो प्यार आपको चाहिए वो आपने किसी और में ढूंढने की कोशिश करी। प्यार तो हम सभी लोगों को चाहिए, लेकिन कनेक्शंस में ढूंढ, रिलेशनशिप में ढूंढने की बजाय आपने किसी और में उसको ढूंढने की कोशिश करी। बट लेट मी टेल यू, जो प्यार आपको आपके पार्टनर से मिलता है वो किसी और से नहीं मिल सकता। प्यार के कई प्रकार हैं। ओके, तो अगर ऐसा होता तो फिर कोई किसी को पार्टनर चाहिए ही क्यों होता। अब वो बात अलग है कि ये प्यार आपको चाहिए ही नहीं, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। तो इंटरेस्ट तो आपका खत्म नहीं हुआ, चाहिए तो है आपको ये, बट फिर भी आप इसको कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वहीं पर दिक्कत हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज जो भी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनकी भी गिनती कम नहीं हो रही, और इन ब्लॉकेजेस के होने की वजह से आप कंफ्यूज हो। अभी जहां हो वहां पर भी संतुष्ट नहीं हो, और आपको चाहिए क्या आप वो भी समझ नहीं पा रहे। आपको ये लग रहा है कि आपने जो अभी अपनी लाइफ जिस जो आपने चूज किया है आपके अच्छे के लिए वो बेस्ट है, लेकिन अगर वो बेस्ट है तो आप संतुष्ट क्यों नहीं हो, ये हो रहा है आपके साथ। ओके, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है? आपको ये करने की जरूरत है कि यूनिवर्स जो प्रपोजल्स आपको दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप प्लीज उस तरफ आगे बढ़िए, और खुद को झूठ ना बोलते हुए, सच जो भी एक्सेप्ट करते हुए, उस अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेप्ट करिए। रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहेंगे तो खुश रहेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने जो अभी चूज किया है आप उसके लिए पूरी तरीके से बने नहीं है, या फिर आप उसके लिए उस जिंदगी में भी रह सकते हैं, उन तरीकों से भी आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इसको भी ऐड करो, आप इसको बिल्कुल हटा नहीं सकते। बेशक अगर आप प्यार कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, हमें हर जगह से हर तरीके से प्यार मिले तो क्या बुराई है, लेकिन आप इस हिस्से को काट कर फेंक नहीं सकते क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आप खुद को बोल रहे हो कि आप तैयार हो, लेकिन रियलिटी ये है कि आप तैयार नहीं हो। सो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा और इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो जो प्रपोजल आपको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उस तरफ ध्यान दीजिएगा, उस तरफ काम करिएगा और उसको एक्सेप्ट करिएगा, उसको जियो। आप लोग यार क्यों कर रहे हो ऐसे? ओके? और वैसे भी भागने का कोई फायदा नहीं है, आप जितना इससे भागोगे ये एनर्जी आपको उतना ही चेस करेगी, फॉलो करेगी। आप फिर पता है क्या होगा, धीरे धीरे भूख लगनी बंद हो जाएगी, फिर आपकी नींद उड़ जाएगी, फिर और भी कई सारी चीजें होंगी, साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब ऊपर वाला कुछ इतना सुंदर आपको दे रहा है तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले कुछ हो गया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद को माफ नहीं कर पाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी और को माफ नहीं कर पाए? आपको करना चाहिए, लाइफ रुकती नहीं है, और जिन चीजों की इच्छा रखते हैं आप उसके सपने भी देखिए। सपने देखे बगैर आप कैसे कैसे जी सकते हो? ड्रीम्स तो हमें चाहिए। अब आपके लिए क्या सपना मायने रखता है वो मैटर करता है, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और समटाइम्स हाँ कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूं, और उसके बाद मुझे एक्शन लेना है नहीं लेना है वो ठीक है। मैं अपनी अपने इमोशंस को दबा नहीं रही, आप दबाने का काम कर रहे हो। ओके, ये चीजें हैं यहां पर। आपको बोला गया है कि यूनिवर्स जो आपको दिखा रही है और आपसे कुछ तो आपसे चाह रही है कि आप इस तरफ एक्शन लो या इस एनर्जी में जियो,
या किसी के साथ आप आगे बढ़ो तो आपको बढ़ना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। ऑलराइट गाइस, कुछ कार्ड्स में और भी देख लेती हूँ। थ्री ऑफ कप्स, ओके, द चैरियट, द हर्मिट, डेथ। टाइम है ट्रांसफॉर्म करने का एंड द लवर्स। तो देखो कोई तो है, कोई तो मिला है और ये वही है जिसका वेट करते रहते थे, फाइनली मिला है तो फिर ठीक है ना, आगे बढ़ो ना। ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, टाइम है आगे बढ़ने का। इतने सारे सवालों के जवाब आपको चाहिए थे और जब कोई आपको मिल गया है जवाब देने वाला तो फिर आप उससे भाग रहे हो, क्या फायदा है इसका। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड, ये कैमरे में ऐसा क्यों हो रहा है आज, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, अभी ये ठीक है बट कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा था। तो चलिए देखते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, चेक करते हैं। ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूँ, फिर से कैमरा वैसे ही कर रहा है, कोई नहीं छोड़ो। हमें अपने कार्ड्स निकालने हैं, रीडिंग करनी है। चलिए देखते हैं, तो क्या आपको पता होना चाहिए, चेक करते हैं। यहां पर आता है किंग ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव एस ऑफ वेंड्स, देन यू हैव द डेविल, ओके, द टावर। Be proactive. Then you have clear out the debris. Okay. क्योंकि devil है यहाँ पर। फ्लो आज ये सभी लोगों के लिए आया है ये कार्ड तो, एनर्जी। एंड यहां पर प्यूरिफिकेशन, कूल योर इमोशंस, क्लियर योर माइंड अगेन। ऐसा क्या सोच रहे हो आप लोग? ओके ओके, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। ऑलराइट, तो आई थिंक इसीलिए आपने ये कार्ड चूज किया है। ओके, पाइल नंबर थ्री, कार्ड नंबर थ्री, ग्रुप नंबर थ्री, जिन्होंने भी चूज किया है उनको अभी क्या पता होना चाहिए। गाइस, पता आपको ये होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए पैशनेट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद को बर्बाद कर लें। ओके, आप वही कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। पैशन जो भी है किसी पर्सन को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर, या आपकी हो सकता है आपके काम को लेकर, आपके करियर को लेकर, जिसको भी लेकर हो,
ये हद से ज्यादा है, और हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। ओके आपके साथ में पता है क्या है, जैसे कि आपने आपने माचिस उठाया और तीली निकाला, आग जलाई, और कुछ और जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप यही भूल गए कि वो आग जलते 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 आपके अंगूठे तक आ गया है। ठीक है, वो हो रहा है आपके साथ। आप इतने खो गए हैं वो जो भी आप कर रहे हो उसके लिए, कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा ये चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं। समटाइम्स आपका ये जो पैशन है ये गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि एक जिद सी है ना, मेहनत ही ऐसे कर रहे हो, और फिर अगर वो काम नहीं हो रहा तो फिर ये लो जी। ये दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं लोगों को बोलती हूं कि पैशनेट रहना चाहिए, आपको जो भी पसंद है, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। कूल योर इमोशंस, क्लियर योर माइंड। तो इसके चलते ये हो रहा है कि निगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो, क्योंकि यहां पर डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी ये आपके आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हो ये चीज। सी, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हो। आप ठीक ठाक चल रहे थे अभी तक, लेकिन अब से आपका रूटीन चेंज हो रहा है। सोने खाने पीने का टाइम कुछ नहीं है, आप हर वक्त यही सोचते रहते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा मैं, और इच्छाएं आपके बहुत जागती हैं इसको लेकर। एक एक कोई विश पूरी हुई तो दूसरी तब तक आ जाती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये होता रहता है आपके साथ। और फिर बिल्कुल, अगर आपकी इच्छाएं इतनी, आपके अंदर इतनी सारी इच्छाएं आती हैं, तो बेशक निगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हर एक विश आपकी पूरी नहीं हो सकती, राइट? और जब वो पूरी नहीं होगी तो सीधी सी बात है, आपको गुस्सा आएगा, फिर आप कुछ गलत सोचेंगे। तो वही आप कर रहे हैं, और ये पता है कहां पर जाकर लग रहा है? ऐसा बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि अगर आप चाहते हैं यूनिवर्स आपकी कोई विश पूरी करे, तो उनको क्लियर मैसेजेस मिल आपको उन्हें क्लियर मैसेजेस देने चाहिए, उनको क्लियर मैसेजेस मिलने चाहिए। यूनिवर्स को जब क्लियर मैसेजेस मिलते हैं ना, तो फिर उसी पर वो काम करती है। और आपके साथ ये हो रहा है कि इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कि आप जो मैसेजेस भेज रहे हो यूनिवर्स तक, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी क्लियर मैसेजेस उन तक पहुंच ही नहीं रहा। इसमें ये हो रहा है कि जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, आप जितने भी पैशनेट हो किसी भी चीज के लिए ना, वो एनर्जी आपके अराउंड ही घूम रही है, एंड दिस इज वाई ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं रही। ये हो रहा है आपके साथ। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आप वो हो जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आते, आज कैसे किसी के कंट्रोल में आ गए हो? कोई इतना प्रभाव आप पर कैसे बना पा रहा है? तो भाई, कोई तो स्पेशल होगा, ये कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ तो ऐसा है। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, और आपको कंट्रोल में ले पाना बहुत मुश्किल है। तो बेशक ये कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई ऐसा काम है, या पता नहीं कोई व्यक्ति है जिसने आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में ले रखा है, और आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए सलाह ये है, धीरे 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 करके आप अपने रूटीन पर आएं, और बेशक आपको इस पर काम करना है तो आप करें, लेकिन इसको काम के जैसा ही लें, या फिर इसको एक जगह दे दें, एक टाइम पर इसको सेट कर दें। ऐसे हम करते हैं ना कि ओके, अभी हमें लिखना है, अभी हमें पढ़ना है, अभी हमें बाहर जाना है, अभी हमें खाना खाना है, अभी हमें सोना है। तो इसको भी ऐसे ही एक टाइम दे दो कि इस टाइम पर मुझे इसके लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है, या कुछ भी करना है, जो भी आपको करना पसंद है। पूरा दिन इसको अप्लाई नहीं करना है, पूरा दिन इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर यही करते रहे तो मेहनत आपकी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। ओके, दिस इज वाई यहां पर ये मैसेजेस आए हैं, आपके इमोशंस को थोड़ा ठंडा करो। हालांकि इसके और भी कई मतलब हैं, लेकिन जो यहां पर ओवरऑल एनर्जी है वो यही है, कि ये जो आग है ना, इसको थोड़ा ठंडा करो, और बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, खिचड़ी पकती रहती है, उसको बंद करो। थोड़ा कंट्रोल अपने ऊपर नहीं आपका रहा है, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। आपको क्लियर कॉर्ड्स पहनना चाहिए। ओके, अगर आप क्लियर कॉर्ड्स पहनते हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप हेल्पलेस हो।
समझदार हो, मैं देख रही हूं अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूं तो आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों को कंट्रोल करता है, और एक गुरु की इमेज मुझे यहां पर नजर नजर आ रही है। तो आप दूसरों को समझाते हो कि ऐसे में क्या किया जाए और आप खुद ही फंस गए हो। तो बेशक कोई ऐसा है जो बहुत पावरफुल है जिसने ये काम कर दिया, और ये आपके अच्छे के लिए है, वैसे बुरा नहीं है, बट आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो ना वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है और कुछ नहीं। यूनिवर्स ने आपको कुछ अच्छा दिया है, यूनिवर्स ने जो आपको दिया है वो बेशक कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट कर रहा है आपको और दूसरों को भी करता है, कुछ बहुत ही कीमती, कुछ बहुत ही सुंदर है, और वो इसलिए है क्योंकि उसको देखकर आप खुद में सुधार करें। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो मे बी आप एयर साइन हो, 10 ऑफ कप्स, तो खुशियां ही आपको मिलने वाली हैं और खुशियां आपको मिलेंगी भी इससे। किंग ऑफ वैंस ये कुछ है, मैंने बोला ना कुछ तो है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एंड हेरोफेंट, मे बी इट्स अबाउट मैरिज, अबाउट अ पर्सन, कमिटमेंट, रिलेशनशिप। तो जो भी है आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको मिलेगा वो, बट थोड़ा सा धैर्य रखो। ऑल राइट, 3 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वैंस, अगेन फायरी एनर्जी। इसको थोड़ा ओके, ग्राउंड योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और ये अपने समय पर चीजें पूरी होंगी, इनको जल्दी भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी हो जाए, नहीं, इसको थोड़ा टाइम दो और अपने हिसाब से चीजों को आगे पढ़ने दो। जो भी, जिसके लिए भी पैशनेट हो, ये कोई रिलेशनशिप है, कोई काम है, जो भी है, इसके लिए जो कोशिशें आप कर रहे हो ना, या जो सोच विचार आपका चल रहा है, वो इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है इससे, तो वो नहीं करना है, बैलेंस बनाओ। क्लियर कॉर्ड्स आप पहन सकते हो, एमेथिस्ट पहन सकते हो, इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। प्राणायाम कर सकते हो, उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, खाने पीने का टाइम चेंज मत करना, सोने का भी नहीं। ऑलराइट, आई एम श्योर आप सो नहीं पाते, इट्स कम्प्लीटली ओके, नॉर्मल, ये हो जाता है, बट आप इसको कंट्रोल में ले सकते हो वापस से। ऑलराइट गाइस, कुछ मैसेजेस मैं और भी देख लेती हूँ फॉर यू। आप परेशान नहीं हो, ये सबके साथ होता है कभी ना कभी, तो ठीक है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है और इसीलिए मैं हंस रही हूँ। एक्सेप्टेंस एंड अवेकनिंग, तो ये आपकी अवेकनिंग के लिए है एक्चुअली। बहुत सी चीजों को आप इग्नोर कर रहे थे, हो सकता है ये आपके लुक्स को लेकर हो, आपने बिल्कुल ये छोड़ दिया था सोचना कि आप कैसे दिखते हो, आपको अपने लुक्स पर क्या काम करना चाहिए, बॉडी के लिए क्या करना चाहिए। मैंने देखा है कई लोगों को, वो एक स्टेज पर जाकर ना ये सोचने लग जाते हो कि मेरी एज इतनी हो गई, अब क्या फायदा, फिर जो मन आ रहा है वो खा रहे हैं और फिर पेट निकल आ रहा है और बिल्कुल उनका शेप ही अलग हो जाता है। तो यूनिवर्स ये चाहती है कि भाई आप खुद पर ध्यान दो, अभी अगर एज हो भी गई है, पहले तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी एज इतनी होगी, लेकिन अगर हो भी गई है तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो। कहते हैं ना कि आपका जो बॉडी है वो आपका टेम्पल है, तो टेम्पल को आप कैसे रखते हो, तो आपको अपनी बॉडी को भी वैसे ही रखना चाहिए। ग्रूम करने का टाइम है, तो इसके लिए ये जो भी मिला है, कोई सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है, जो भी है, इसीलिए आपसे आपके संपर्क में ये है, और आपको ये एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हुए, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, सुधार करने हैं, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे आप जरूर बताएं, रीडिंग यहां पर आपकी कंप्लीट होती है, रेजोनेट करिए तो बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।